और सरकार जब जिस दिन गरीब खड़े हो जाएगी ना, वो सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरा देंगे आप? हाँ गिरा देंगे। योगी यादव की सरकार बात पड़ेगा ना तो प्रशासन को भी बात करेंगे। वजह रहता है कि स्टेशन कोला पर हम लोग घुमाते हैं, उस पर चलान कर दिया जाता है, इधर नहीं रोकिए उधर नहीं रोकिए। किसी मंत्री का गाड़ी रुक जाता है तो कभी कोई चलान करता है कभी नहीं करता है, पर हम लोग की गाड़ी पर, हम लोग गरीब जनता की गाड़ी पर जो है चलान कर दिया जाता है। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? वो टेम्पो 3 लाख का खरीदे हुए हैं और उस पर डंटा से मार दिया, वही स्मार्ट सिटी में चलेगा? स्मार्ट सिटी का मतलब क्या? सुंदर होना चाहिए, सुंदर चीज को खराब कर रहा है सिपाही का, इसीलिए उसी को स्मार्ट सिटी बनाएगा। ऑटो चालक संघ का जो सदस्य है, बहुत पुलिस अत्याचार हो रहा है, एक बाइक जो है पीछे से फोटो खींच दिया जा रहा है और उसके बाद जो है मैसेज आ जा रहा है मोबाइल पर हम लोग की, इतना का फाइन हुआ, इतना का, यही हम लोग फोटो से फाइन हो जा रहा है। उसके बाद मेरा नाम सोम कृष्णा है, देखिए हम अभी गर्दनी बाग में मौजूद है, गर्दनी बाग में देखा दीजिए, वहाँ पे एक दिवसीय विशाल धरना आयोजित किया गया है। यह जो धरना आयोजित किया गया है ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा यूनियन संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा, तमाम संगठनों के जो सदस्य है यहाँ पे खड़े दिख रहे हैं, इधर बैठे दिख रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? जी हाँ, हम लोग की मांगे हैं रूट परमिट को लेके, और दूसरा बात कि हम लोग ऑटो चालक संघ का जो सदस्य है, बहुत पुलिस अत्याचार हो रहा है, एक बाइक जो है पीछे से फोटो खींच दिया जा रहा है और उसके बाद जो है मैसेज आ जा रहा है मोबाइल पर हम लोग की, कि इतना का फाइन हुआ, इतना का, यही हम लोग फोटो से फाइन हो जा रहा है। जी हाँ, फोटो खींचने के बाद तो स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो ये सब तो होगा ही ना। स्मार्ट सिटी बन रहा है तो हम लोग के लिए नहीं ना बन रहा है, हरेक आदमी के लिए, हरेक जनता के लिए बन रहा है। पर क्या सरकार कुछ बाइक वाले, को भी चालान जा रहा है वैसे फोटो से? बाइक वाले को चालान नहीं जा रहा, हम लोग को ज्यादा जा रहा है चालान। क्यों जा रहा है, किस लिए चालान काट दिया जा रहा है, वजह क्या रहता है? वजह रहता है कि स्टेशन कोला पर हम लोग घुमाते हैं, उस पर चालान काट दिया जाता है, इधर नहीं रोकिए उधर नहीं रोकिए। किसी मंत्री का गाड़ी रुक जाता है तो कभी कोई चालान करता है कभी नहीं करता है, पर हम लोग की गाड़ी पर, हम लोग गरीब जनता की गाड़ी पर जो है चालान काट दिया जाता है बिना मतलब का, डंटा चला दिया। सबके लिए बराबर नहीं है क्या? नहीं, कानून यहाँ तो अंधा कानून वाला हिसाब हो गया है। हम लोग के टेम्पो पर जो है डंटा से मारा जाता है, जब भी देखते हैं पीछे से डंटा से मार मार के भगा दिया जाता है। यह तो कोई स्टैंड दीजिए, स्टैंड भी नहीं है, उसके बावजूद भी अत्याचार, सरकार जो है अत्याचार ही अत्याचार। कहाँ कहाँ क्यों रोक देते हैं ऑटो रिक्शा? सर सबसे बड़ा चीज, स्टैंड किसी जगह बना हुआ नहीं है, एक आध जगह स्टैंड बना हुआ है, गाड़ी इतनी ज्यादा है स्टैंड कम बना हुआ है, तो रोकना तो मजबूरी हो जाता है, सवारी उतारना मजबूरी हो जाता है, कोई अपंग है कोई बीमार है उसको उतारते रहते हैं, उसमें फोटो खींचा जाता है। सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। और आप लोगों का मांग क्या है, आज धरना क्यों दे रहे हैं? हम लोग धरना दे रहे हैं, हम लोग को रूट बाय रूट परमिट के लिए अच्छी किया जा रहा है कि आप इसी रूट में चलेंगे, बेली रोड में, रूट के लिए अलग अलग परमिट लेना होगा। हाँ जी, इसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप लोगों की मांगी पूरी नहीं की जाएगी तो क्या कुछ करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे, सरकार से लड़ेंगे, सरकार से लड़ने के लिए आंदोलन करेंगे। जी हाँ सर, सरकार पाएंगे, सरकार के सामने जीत पाएंगे? नहीं, हम लोग बहुत संगठन में है तो लड़ेंगे ही ना सर। कितने लोगों की संख्या में आए हैं अभी? तो हम लोग 10,000 से ऊपर लोगों की संख्या में है। क्या कह रहे हैं? सरकार को तो हमने बनाया, हमको सरकार थोड़ा बनाया। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या? वो टेम्पो 3 लाख का खरीदे हुए हैं और उस पर डंटा से मार दिया, वही स्मार्ट सिटी में चलेगा? स्मार्ट सिटी का मतलब क्या? सुंदर होना चाहिए, सुंदर चीज को खराब कर रहा है सिपाही का, इसीलिए उसी को स्मार्ट सिटी बनाएगा कि टेम्पो को तोड़ तोड़ के फोड़ दे रहा है। क्या स्मार्ट सिटी का मतलब? सरकार तो कहेगी आप लोग CPIML का झंडा लेकर आए हुए हैं, विपक्ष के लोग हैं आप लोग। क्या हमारा जो संगठन, मेरा जिसके साथ संगठन है उसी के साथ नाम चलेंगे? आप बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में आप है तो स्मार्ट सिटी के ऐसा ही गाड़ी रहेगा, स्मार्ट सिटी में सुंदर गाड़ी रहेगा, उसके लिए डंडा मारकर पचका दिया रहा है, क्यों पचाया जाता है? हम लोग नियम को फॉलो नहीं कर रहे होंगे? क्या नियम फॉलो नहीं कर रहे? क्या नियम फॉलो नहीं कर रहा है? आप अपना नियम बताइए कि क्या हम कैसे? पुलिस ऐसे ही डंडा मारती है और क्या चल रहा है ढाई जिला, वही कार वाला वहाँ खड़ा किया, कुछ भी नहीं है, कार वाला कोई खड़ी किया उसको कोई नहीं मार रहा। पुलिस आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए, कहने का अर्थ, एक मिनट, कहने का अर्थ है कि टेम्पो दिया है, अब फोर व्हीलर वाला पैसे वाला है, पैसे वाले को बात करके दिखाइए तो मैं जानूंगा पैसे वाले का बात कर, सॉरी पैसे वाले को बात कीजिए तो प्रशासन खुद करती है कि हमको सरकार फॉलो करती है, टेम्पो वाले को सरकार करती है, टेम्पो वाले को कार वालों को पूजा करो, पूजा करो, प्रशासन बोलती है
कहने का अर्थ है कि पैसे वाला बाप जो है कि टेम्पो वाले तो कुछ करते नहीं, मजबूरी है क्योंकि रोड चल रहा है। अब फोर व्हीलर वाला जो कहती है ना, उसका रोड पे गाड़ी खड़ा रहता है, लाइन से लगा रहता है, उसको आप टेंशन करके थाने में लेके जाकर दिखाइए। अगर हिम्मत है तो पुलिस में इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो जाती है कई सारी गाड़ियां जाती है, वो दिखावे के लिए ले जाती है। वो बस टेम्पू वाले को, ई रिक्शा हो, ठेले वाले को, फुटपाथी को ही मजबूर बना सकता है, अमीरों को नहीं। अमीरों वाला पैसा फेंकता है सरकार को। जी हाँ, सरकार बस उसी को सुनती है, गरीब की नहीं सुनती है। और सरकार जब जिस दिन गरीब खड़ी हो जाएगी ना, वो सरकार गिर जाएगी, अधिकार गिरा देंगे। हाँ, गिरा देंगे। अभी यादव की सरकार बात करेंगे ना, तो प्रशासन को भी बात करेंगे। जी हाँ, अभी यादव की सरकार है, इस बार की प्रशासन। अभी नीतीश सरकार जिंदाबाद है, मुर्देबाद किनारा है। एक तो दारू बंद करके सही जगह पोर बंद कर दिया है नीतीश, लेडीज को आगे बढ़ा रहा है और जेंट्स को नीचे गिराया जा रहा है। जेंट्स जमने वाला नहीं है, मर्द मर्द होता है, औरत औरत होता है। नीतीश को कर दीजिए कि अपने दलाल मर्द और औरत में अंतर कर रहे हैं। हाँ जी, सब चीज ये समाज औरतों को बढ़ा रहे हैं। हाँ बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, और गरीबों को आदमी को सता रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन यही है कि आप लोग का क्या कुछ मांग है आज का? बिहार सरकार को पूरा कचरा ले आज चल रहा है, हॉस्पिटल जो है सारा व्यवस्था हम लोग की मदद से, चपरासी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, जो हो, हम समय पर पहुँचाते हैं। सारा सुविधा जो ट्रैफिक पुलिस है, हम पहुँचाते हैं, पहुँचाते हैं। जिस रोज है ना 120 मिनट के लिए, जिस दिन रोज पानी रोज है ना, पूरा बिहार एसपी यादव की पुलिस नहीं रोकने देगी। हम लोग नगर सिर्फ 120 मिनट के लिए हमारा भाई सिर्फ परिरोध खड़ी रहेगी, पूरा सरकार पटना में तो हजारों टेम्पो और हजारों ई रिक्शा है, आपके पास तो बहुत सैकड़ों में ही लोग हैं ना। हमारे पास 15,000 है। 15,000 में से कितने लोग दिख रहे हैं? कितना लोग है? अगले लोग हमारी मदद से सरकार छोड़ा, गरीब गुरमा सरकार गिराने का पावर आप लोग रखते हैं। समझिए, बिहार सरकार जितने भी कर्मचारी है सबको यहाँ सलाह ले जाने का काम हम टेम्पू वाले करते, हम टेम्पू वाले करते, कोई भी उठाइए हम लोग ले जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे आज के धरना के बारे में? नहीं, हम क्या कुछ कह सकते हैं, आप इन लोगों के साथ नहीं है? साथ तो है। मांग क्या है आपको पता होना चाहिए ना। मांग तो यही है कि हम लोग को जो रूट परमिट दिया जा रहा है उससे हम लोग असमर्थ है। रूट परमिट नहीं चाहिए, आप लोग स्वतंत्र रहना चाहिए। अगर आप रूट परमिट राजा बाजार का दिया जाए और हमको जाना रहेगा गांधी मैदान, तो फिर वहाँ कैसे जाएंगे? फिर जाएंगे तो फिर फाइन करेगा प्रशासन, वहाँ तो प्रशासन फाइन ही करेगा। रूट परमिट ना बनाया जाए, हर जगह जाने की आजादी दी, परमिट दिया जाए जैसे पहले परमिट था उसी तरह परमिट दिया जाए। चलिए ठीक है, इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।